जनपद हापुड़ के बाबूगढ़ में करबला के शहीदों की याद से जुड़ा मुहर्रम परंपरागत ढंग से मनाया। ताजियों के जुलूस में पटाबाजी और आग के हैरत अंगेज करतब दिखाए गए। वहीं शहीद करबला को याद करते हुए खिराज अकादत दी। बाबूगढ़ में मुहर्रम का जुलूस पुरानी मस्जिद से शुरू हुआ, जो कि अंबेडकर चौराहा से होते हुए छोटी मस्जिद फिर बड़ी मस्जिद पर पहुंचा। जुलूस का नगर पंचायत अध्यक्ष पति राजीव, थाना प्रभारी विजय गुप्ता, समिति अध्यक्ष अशरफ कलवा, मुकेश अग्रवाल आदि ने फीता काट कर उद्घाटन किया। सजाए गए ताजियों का जुलूस बाबूगढ़ के प्रमुख मार्गों से निकला, शहीद करबला को खिराज अकीदत पेश की। नुहाखानी और मरसिए पड़े जाने के बीच युवकों के जत्थों ने जंजीरों से सीनाजनी करते हुए शहीद करबला की याद में मातम किया। वहीं कलाकारों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। इस दौरान खलीफाओं को सम्मानित किया गया। अमित मेंबर, अयूब, साहिल, बंटी, आरिफ, खलीफा, सलीम, कालीचरण, सुनील वर्मा, सभासद प्रेमचंद आदि इस दौरान उपस्थित रहे। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ खान है। मैं अखाड़ा गौस अहमद का अध्यक्ष हूँ। लोग खलीफा का भी खिताब दे रखा है। ये जो मुहर्रम निकलता है, इमाम हुसैन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, वो करबला में शहीद हुए थे, उनकी याद में यह अखाड़ा निकाला जाता है, मुहर्रम निकाला जाता है, मातम मनाया जाता है। और इसमें पटाबाजी होती है, लाठे डंडे गत्ते का खेल होता है। जो हमारे पुलिस प्रशासन है, थाना अध्यक्ष है विजय कुमार गुप्ता जी, उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। जो हमारे चेयरमैन है, उन्होंने पानी की व्यवस्था कर रखी है पूरा अखाड़ा में। जो इसमें बाहर का अखाड़ा आए हुए हैं, जिन्हें इनाम दिया जाएगा। जो अखाड़ा फर्स्ट आएगा उसे 5100 रुपये दिए जाएंगे, जो सेकेंड आएगा उसे 2500 रुपये दिए जाएंगे। जो हमारे यहाँ की सफाई व्यवस्था है, राजू दरोगा हैं, उन्होंने सफाई व्यवस्था की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ के जो हिंदू समाज है, उन्हें मैं सलाम करता हूँ। उन्होंने जो सहयोग दिया है तन मन धन से, उसके लिए मैं आभारी हूँ। ये 1948 से निकाला जा रहा है, करीब करीब मेरी अध्यक्षता में 20 साल से निकल रहा है।